हरदोई कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के प्रति विरोध प्रदर्शन। राफेल डील मुद्दे में भाजपा को क्लीन चिट मिलने के बाद राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। हरदोई कलेक्ट्रेट परिसर में राहुल गांधी माफी मांगे के लगे नारे। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राफेल डील मुद्दे में प्रधानमंत्री व भाजपा को क्लीन चिट मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया, जिसके चलते आज हरदोई में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित कर एक ज्ञापन दिया अधिकारी के द्वारा भेजा गया। इस ज्ञापन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद तथा हाय हाय के नारे कलेक्ट्रेट परिसर में लगाते हुए सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि राफेल के मुद्दे पर झूठे आरोप लगाकर लगातार बदनाम कर देश की छवि को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा की गई। जब भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राफेल डील को क्लीन चिट दे दी गई, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब साल 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और 5 वर्ष जिस प्रकार से उन्होंने इस देश के गरीब, शोषित, वंचित और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की और जिससे प्रत्येक गांव का हर गरीब व्यक्ति लाभान्वित हुआ तमाम योजनाओं के माध्यम से, उन सब से विचलित होकर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों ने राफेल के नाम पर, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो झूठ और फरेब का कुचक्र रचा, उसको तो इस देश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में नकार दिया, लेकिन कानूनी तौर पर उनके फरेब का पर्दाफाश, उनके झूठ का पर्दाफाश और उनके जो मन की चोरी थी उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल खारिज कर दिया, उनके झूठ को बेनकाब कर दिया। हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास करते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के राफेल पर निर्णय आने के बाद हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज प्रदर्शन किया और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया और उसमें मांग करते हैं कि यदि जरा सी भी नैतिकता और शर्म कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी में बची हो, तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के प्रत्येक नागरिक जिससे जो इस उनके इस झूठ से आहत हुआ, विदेशों तक भारत की जिन्होंने इमेज खराब करी है, ऐसे राहुल गांधी अपने झूठ और फरेब से निकलकर इस देश की जनता से, माननीय मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अविलंब माफी मांगे। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हमने मांग की है।